उम्मीद थी कि भाई बीजेपी पूंजीवादियों की पार्टी है, बीजेपी अंबानी अडानी की पार्टी है, उसके साथ में आंसू खड़ी है, उसको हटा के जेएमएम को सौंपते हैं सत्ता। जेएमएम झारखंड की पार्टी है, जेएमएम जल जमीन जंगल की पार्टी है, लेकिन परिणाम सामने है। हाल ही फिलहाल रिजल्ट आया है जेपीएससी में नगर वाला, आपके आदित्यपुर नगर का भी आया है, यूपी का आदमी को यहां अधिकारी बनाया गया है। आदित्यपुर नगर में यूपी के आदमी को अधिकारी बना के भेजा गया है, और आप क्या करेंगे? झाल बजाएंगे। हाँ, आपको मिलेगा। ए मासीरा दीदी राके मुख्यमंत्री ख्याल रखे, या के योजना ने चिकी योजना नाम मैया सम्मान ₹1,000। जिनका बाप मर गया राज के लिए लड़ते लड़ते, जिनका ससुर भैंसुर अपना पति खो दी राज के लिए, पर लाइन में लग के 1,000 चाहिए, गुस्सा नहीं लगता है? आरा की बलिया की छपरा की बेटी यहाँ 50,000 महीना उठाएगी, जाइए बढ़िया नर्स बन के। कौन आ रही है? उड़ीसा की लड़की। हमको उस बहन से दिक्कत नहीं है, हमको इस बात का दिक्कत है कि मेरे बाप दादा का खून बहा है और हमारी बहन ₹1,000 लेगी मैया सम्मान। 1,000 रुपया लेने के लिए झारखंड में आए हैं? नौकरी बेचेंगे यूपी वालों को, नौकरी बेचेंगे बिहार वालों को, नौकरी बेचेंगे बंगाल वालों को, नौकरी बेचेंगे राजस्थान वालों को, और हमको मिलेगा मैया सम्मान। अभी लाइन में 4 घंटा खड़ा करके, ऑनलाइन नहीं हो रहा। मैया सम्मान ठीक है, हम भी मैया सम्मान का सम्मान करते हैं। आप कल्पना भाभी को मैया सम्मान का लाभ दीजिए, उनको विधायक की सृजन कराइए। आप लेंगे सत्ता की मलाई, हम लेंगे मैया सम्मान। सुप्रिय भट्टाचार्य कौन है पूछते हैं आपसे थोड़ा, क्या बोलते हैं सुप्रिय भट्टाचार्य? तुमने जानी चीनी महासचिव बोलते हैं, गोली खाई निर्मल महतो, 12 गोली छाती खाई सुनील महतो, और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। एट ऑफ जेमे मेरे झारखंड क्या बोलते भाई सुप्रियो भट्टाचार्य? क्या बोलते वादर की जो योगदान ए झारखंड रे आंदोलन की योगदान अच्छे? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो हम भारी जनता पार्टी बोलते हैं, अरे वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो कैपिटलिज्म का पार्टी है, वो कॉर्पोरेट घराना का पार्टी है, लेकिन आप तो जल जमीन जंगल की बात करते थे। कौन है सुप्रियो भट्टाचार्य? अच्छा चलिए ठीक है, ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? मैंने इसी दिन के लिए निर्मल महतो गोली खाए थे ना, कि खाली आप माला पहनाइए, झारखंडी को बोका बनाइए, सुप्रियो भट्टाचार्य को महासचिव और पिंटू श्रीवास्तव को पर्सनल एडवाइजरी, ना क्या बोलते हैं भाई एडवाइजर। जिनका बाप दादा का एक नाखून नहीं उखड़ा है, आज लोग छाती में चढ़ के बैठा है, किसका? जिसका बाप 12 गोली खा के बैठा है, जिसका बाप दादा एक बाल नहीं उखड़ा है, आज लोग छाती में चढ़ के बैठा है, किसके? जिसका बाप खून का उल्टी किया है। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है, इसी तस्वीर को बदलने आए हैं। यदि आपको लगे अच्छा कि लड़का ठीक है साथ दीजिएगा, नहीं लगे मत दीजिएगा। यही बगल में जमशेदपुर है, अनगिनत कारखाने हैं, अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, अनगिनत कंपनियां हैं। कितने लोग हैं आप जो जीएम के पोस्ट पे काम करते हैं? कोई नहीं है। कहे झोड़ा ढोने के लिए निर्मल महतो ने अपना बलिदान दिया है क्या? कि निर्मल के लोग, झारखंड के लोग वहां झोड़ा ढोने का काम करेंगे, इसलिए शहादत दिया गया है क्या? कितने लोग जीएम है हम सवाल करते हैं, जिनको हमारे सवाल से तकलीफ होता है,
जो कहते हैं ये लड़का बाहरी भित्री करने हैं। हम सवाल करते हैं, जमीन हमारी, गांव हमारा, खेत हमारा, खून हमारा बहा है, कितने जीएम हमारे हैं? घास छिलने के लिए राज लिया था हमने, घास उखाड़ने के लिए जुबली पार्क में घास उखाड़ने के लिए झारखंड राज लिया था। आप उत्तर दीजिए। बिल्कुल अटैकिंग, लेकिन हमको मालूम है कि झारखंड में आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, आप उससे सीधी उंगली से घी निकाल लीजिएगा, वहां आपको सुनील महतो बन के आना होगा और बोलना होगा कि अबरी जाएंगे ना तो 10 बार उनको मचोर देंगे। अबरी अगर जाएंगे ना तो 10 बार वो तुम्हारा भी नोच के लेके जाएंगे। राज कहेंगे हंस के मेरी बातों को, उनको बुरा लगेगा। जब निर्मल महतो का बॉडी उठा रहे थे, जब सुनील महतो की बॉडी उठा रहे थे, जो लोग आंसू बहा रहे थे उनको आज हम कायर कहेंगे, माफ कीजिएगा। आपको आंसू नहीं बहाना चाहिए था, अपने आंसुओं को पी के एक सैलाब बनाना था। और सुनील दा की अर्थी बाद में उठती, उनकी चिता दोमहनी में जलाएं, स्वर्णरेखा नदी में या खरकई में जलाएं, हमें नहीं मालूम। आप जहां भी उनकी चिता जलाएं, चिता बाद में जलाते हैं, पहले 2-4 को बेईमान, शैतान, माफिया, गुंडा, उनको उठा के कोल्हान की मिट्टी से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते, उसके बाद सुनील महतो की चिता जलाते। बिल्कुल आपने गलत किया, जिन्होंने भी किया है। आज ये नहीं होता, आज एक 29 साल का लड़का को अपना एक एक शरीर में पार्ट से बीमारी लेके आपके पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों हम इतना विषाक्त हुए? हमें तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, क्यों हम इतना विषैला हुए? आपने गलती किया है, आप रोने लगे, आप चिल्लाने लगे कि सुनील को मार दिया। आपको भी मार नहीं, पटक पटक के मारना था, पटक पटक के मारना था आपको। बिल्कुल आपने गलत काम किया, एकदम नहीं। सुनील दा की अर्थी बाद में जलाते हैं आप। जिन्होंने हम पर शासन किया है, जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने हमें लूटा है, आपको उनका हिसाब लेना था। जो आता साला देखते हैं, अरे सांसद मरा था, 2 जगह मरिए जाते, हमें तो नहीं लड़ना पड़ता, हमें तो नहीं मरना पड़ता। अरे सांसद 8 गोली खाया था, अब डरपोक थे क्या? सांसद 8 गोली खाया था आपका, 12 गोली माफ कीजिए, आपका पहाड़ जैसा सांसद 12 गोली खाया था, पर आप रो रहे थे, आंसू बह रहे थे। आपको काउंटर करना था, काउंटर करना था आपको। सुनील महतो की मौत का काउंटर करना था आपको। हम चाहते ठोक के बोलते हैं, आपको काउंटर करना था। चला गोली खाएंगे सुनील महतो और राज करेंगे पिंटू श्रीवास्तव, काउंटर करना था आपको। आपने काउंटर नहीं किया, इसलिए छाती में चढ़ गए हैं और चढ़ के पेशाब कर रहे हैं, हम पेशाब कर रहे हैं हमारे ऊपर। देखिए देखिए एलबी सिंह के गुंडा 6 महिला लोगों का कपड़ा फाड़ के पीटा झरिया में। एलबी सिंह का गुंडा 6 महिला लोगों का कपड़ा फाड़ के मारा, क्योंकि आपने काउंटर नहीं किया, आपने मुर्गा अखाड़ा में गुस्सा दिखाया। इतना बड़का बड़का मुर्गा लेके जाते हैं लड़ाने के लिए, बड़का कांच बन के जाते हैं आप लोग। आपने ताई गोदाम में गुस्सा दिखाया, आपने मारी गोदाम में गुस्सा दिखाया, काउंटर करने की है। सुनील महतो मरा काउंटर करना था, शक्ति महतो मरा काउंटर करना था, सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों आंख शरीर में जाने साले लोग आग निकाल दिया था, काउंटर करना था आपको। अगर आप काउंटर करते, हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नई नेता बनते, हमको विधायक नहीं बनना था। अब काउंटर नहीं किए, अब काउंटर नहीं किए, तकलीफ होता है। 6 महिला को कपड़ा खोल के पीटा, एमपीसी के बाप को बदन बात है, डीसी चुप, एसपी चुप, साला सब पैसा खाने वाला है। बताइए, इतना उनका मन बड़ा है कि हमारे घर की महिलाओं को मारा गया,
काहे मारा गया मालूम है? ना जबरदस्ती हमारी जमीन में कोयला का जो गर्दा डंप किया जा रहा था, काहे देंगे डंप करने भाई? काहे डंप करने देंगे? मेरा बाप का जमीन है, काहे डंप करने देंगे बताइए? आज एक 29 साल का लड़का, कल्पना कीजिए पूरे झारखंड में कोई 29 साल का लड़का सीएम फेस बना है क्या? नहीं। क्यों बने हम? ठीक हम सीएम बने नहीं बने, हमने कभी नहीं चाहा, लेकिन क्यों बने? इसीलिए, इसी अत्याचार के खिलाफ बात करने के कारण बने। काउंटर होना चाहिए था, काउंटर होना चाहिए था। निर्मल कौन सा राज्य ऐसा होगा कि एक एक डैम में हमारा 100 गांव डूबता है, अधिकारी बंगाल से आता है क्या बताइए? साला गांव डूबेगा हमारा, विस्थापित होंगे हम, और डीवीसी का हेडक्वार्टर कलकत्ता रहेगा। हम लोग इतने बेवकूफ हैं? इसलिए आज जिनको लगता है हम भड़काने आए हैं, बिल्कुल हमारा साथ मत दीजिए, हम भड़काने नहीं आए हैं। जो लोग बात करने से डरते थे ना, उस डर को बाहर करके असलियत बताने आए हैं। धनबाद में लोग डरते थे, धनबाद में लोग माफियाओं के खिलाफ बात करने से डरते थे, पर हम खुले मंचों में कहते हैं कि गांव हमारा गया, प्रदूषण हमने झेला, और 17,000 करोड़ का ठीका लेगा यूपी का एलबी सिंह, कोयला के को बहुत बड़ा माफिया है, हम खुले मंच में कहते हैं। इतना कमजोर सिस्टम बना दिया इन्होंने, झारखंडी आदमी एगो 8,000 का नौकरी के लिए गुलामी करने जाता है। और असल में कहे ना तो झारखंड का आदमी लड़ाई नहीं कर रहा, ना अधिकार मांग रहा, हमको लगता है भीख मांग रहा, और किससे? वही यूपी बिहार के ठेकेदारों से। आप चले जाइए, सरकारी नौकरी के अलावा आप जहां भी काम करते हैं, वहां का बड़ा ठेकेदार या बड़ा पदाधिकारी आपके राज्य का नहीं है। आज भी हम गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, दुर्भाग्य हमारा कि निर्मल का शहादत होता है, बिरसा भगवान खून की उल्टी करते हैं, संसद सुनील महतो को एक और नहीं 12 को गोली मारा जाता है, यही गालुड़ी बगल में है, 12 गोली अभी कहां, सीधे कलेजे में, हाथ में मैंने जांग में भी नहीं, सीधे कलेजे में 12 गोली मारा जाता है। और आज भी अगर हम लोग ठेकेदारी के काम में गुलामी करेंगे यूपी बिहार बंगाल साइड ठेकेदारों का, ये शर्म है, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अरे सरकार तो खुद बोली थी कि 25 करोड़ तक का टेंडर हम लोकल को देंगे, इनके घोषणा पत्र में पढ़िए था ना, 25 करोड़ का टेंडर एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ भी बोले थे कि झारखंड को ही देंगे प्लस आरक्षण के साथ देंगे। सही बात है, ठेकेदार में आज भी आदिवासी नहीं है, दिखाई हमको आदिवासी ठेकेदारी में, आदिवासी राज्य में ठेकेदार में एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री का भाषण था कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण के साथ हम 25 करोड़ की ठेकेदारी झारखंडियों को एकदम 100% सुनिश्चित करेंगे।